हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो T3X फ़ोन है, तो वीवो T3X फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में आप कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में ऐप्स वगैरह को कैसे हाइड कर सकते हैं और ऐप्स को कैसे आप छिपा सकते हैं वीवो फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि आप कैसे वीवो T3X फ़ोन में ऐप्स को आप हाइड कर पाएंगे और कैसे छिपा सकते हैं वीवो T3X फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं जिसमें स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से आपको सेटिंग्स पर जाना हो, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने फ़ोन में इसका यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास सेटिंग्स आ रही है, जहाँ से जब आप सर्च करते हैं तो सर्च करके देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ऐप हाइडिंग ऑप्शन से मिल जाएगा। तो ऐप हाइडिंग पे चले जाना है, जब आप इस पर जाते हैं तो इस पर सर्च कर लेंगे, फिर क्लिक करते हैं पासवर्ड डाल देना, पासवर्ड डालते ही आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, जिस पर क्लिक करते हैं आप हाइडिंग ऑप्शन पे चले जाएंगे, जिसके जरिए ऐप्स को आप छिपा सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। जैसे हम कुछ भी ऐप्स को ऑन कर देंगे, यहाँ से जो भी ऐप्स आप ऑन कर देते हैं आपके फ़ोन में, आप ऐप्स को हाइड कर पाएंगे और छिपा सकते हैं, आपके फ़ोन में शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से ऐप्स को आप छिपा सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर भी शो नहीं करेंगे वीवो T3X फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।